मिलन गौतम जी, आज जो ये आप इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवा आतंकवाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, आप देख सकते हैं ये मनुस्मृति है। जो कुछ कमीने लोगों ने अपना फायदा करने के लिए और स्त्रियों को लिए और शूद्रों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए ये मनुस्मृति बनाई थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक ऐसा ग्रंथ है, हिंदुओं के लिए तो एक ऐसा ग्रंथ है कि उनके लिए बहुत अच्छा है, पर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनकी माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, उनकी बेटी के लिए भी इसमें वो गंदे विचार लिखे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। ये मनुस्मृति हमें कई हजारों साल पहले जला देनी चाहिए थी, जो कि हम आज जला रहे हैं। सतपाल तंवर जी ने यहाँ पर आज ये पूरा धरना प्रदर्शन किया है और जितना भी इसमें तकरीबन 75 पॉइंट्स लिखे हुए ऐसे जो कि अपने ही भाई और भाई को लड़ाने के लिए, मारने के लिए, जलाने के लिए, और जितनी भी हमारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति से सही, चाहे वो किसी भी धर्म से सही, वो किसी भी समुदाय से सही, उन सभी महिलाओं के लिए इस मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि शूद्र पशु और नारी ये है सब ताड़न के अधिकारी, और ये भोग विलास की चीजें महिलाएं जो बनाई गई वो सारी की सारी भोग विलास की चीजें बनाई गई। तो ऐसी स्मृतियों को हमें लात मार के इनको आग में दे देना चाहिए। और कभी भी मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारे भारत की महिलाएं इस पे ऐसा एक आरोप लगा करके इसको बंद कराया जाए, पूरे भारत के सुप्रीम कोर्ट से कह करके इसको पूरा बैन करा देना चाहिए। और जो भी भगवाधारी हैं इनको भी सोच लेना चाहिए कि उनकी भी माँ बहन बेटियां हैं, लोगों को अगर उनको कोई छेड़ता है तो उनका खून क्यों खोलता है, पर इसके अनुसार नहीं खोलेगा क्या? लेकिन आज जो संसद भवन के अंदर 132 मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो बहुजन समाज से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, तो उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका सिर्फ ये है कि वो लोग चोर उचक्के हैं, तलवे चाटने वाले भिखारी, एक नंबर के कंजूस आदमी, और ये लगा लीजिए कि उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति चाहिए, पैसा चाहिए, बस। अभी किसी ने एक डिबेट के अंदर जब वो वार्तालाप चल रही थी और उन्होंने कहा तो ये चोर चमारों की पार्टी नहीं है, और फिर भी वही लोग 132 मेंबर पार्लियामेंट किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं उठाए, इसमें आप क्या कहेंगे? सर मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि वो लोग तलवे चाटने वाले लोग हैं, इसके तलवे चाटने वाले लोग हैं, भगवाधारियों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। अगर असल बाप की औलाद है तो अगर अपने बाप को, तुम्हारे बाप को कोई अगर गाली सुना रहा है तो तुम गाली सुन लोगे? मेरे बाप को गाली दे के तो देखो साले का मुंह तोड़ दूंगा अच्छी तरीके से। वो हराम की औलाद, असल में हराम की औलाद वो है, नाजायज वो लोग हैं कि अपने बाप को भी बाप कहने के लिए उनको शर्म आती है। एक वो थे कवि हैं और अपने आप का बहुत अच्छी भूमिका से एक बाउंड्री बांधते हैं कि एक वो व्यक्ति था जिसने जातिवाद में लोगों को बांट दिया। जातिवाद में अगर कुमार विश्वास की आप बात कर रहे हैं तो कुमार विश्वास को ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ। एक्चुअल में कुमार विश्वास क्या है, कुमार विश्वास की माँ से पूछो ना कि वो एक्चुअल में क्या है, उसका बाप कौन है, उसके खानदान वाले कौन है, उसके पूर्वज कौन है, एक्चुअल में उसको खुद नहीं पता है। उसको तो बस कवि है, उसको तो बस एक छूट मिली हुई है कि भाई कवि जो बोलता है वो तो शब्दों से फ्री होता है। पर जिस दिन अगर चमारों के हत्थे या शूद्रों के हत्थे या वाल्मीकियों के हत्थे पड़ गया ना तो इतने चमाटे पड़ेंगे कि सारी कविता भूल जाएगा वो। क्रांतिकारी लोगों के अंदर जो, और मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कुमार विश्वास में जितना भी दम हो, जितना उसने दूध पिया अपनी माँ का या घी खाया हो, जितने काजू बादाम खाए हो उसने अपनी बीवी के गोद में बैठ के, वो मुझसे लड़ ले अकेले अकेले, या तो उसके दांत टूटेंगे या मेरे, मैं उसके हाथ पर सारे तोड़ सकता हूँ।